हेलो भाई, अच्छी वीडियो का स्वागत है। और आज हम भाई अपनी सेंटर इनोवा की वॉशिंग करने वाले हैं। आप हालत देख सकते हो भाई, कितनी गंदी हालत हो चुकी है इसकी। तो आज हम पूरे इसको फोम वॉश करने वाला हूँ मैं आज, ठीक है। और एक्सटीरियर भी करूँगा, इंटीरियर भी करूँगा, दोनों तरफ से करूँगा इसको वॉशिंग, ठीक है। तो भैया आप हालत देख लीजिए एंड देन फिर भाई हम इसकी वॉशिंग करते हैं। तो अभी मैंने पहले खोल लेता हूँ, उसके बाद हम इसकी वॉशिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है भाई। देख लो, मैंने कार को पूरा अच्छे से ओपन कर लिया है। ये इंटीरियर देख सकते हो, इंटीरियर भी गंदी है और एक्सटीरियर भी से गंदा हो रखा है, ठीक है। तो मैं दोनों तरफ गाइस, हमने कार को वॉश कर लिया है, ठीक है। एंड पूरी तरह से कार शाइन कर रही है। अब मैं इसको पोंछता हूँ, उसके बाद हम लोग क्रीम लगा के इसको पूरा अच्छे से बंद कर देंगे। तो गाइस मैंने इसको पूरा अच्छे से पोंछ लिया है, ठीक है। अब मैं इस पर क्रीम लगाऊंगा। क्रीम क्यों लगाऊंगा? क्योंकि ताकि स्क्रैचेस ना लगे, ठीक है, इसलिए अब लगाता हूं मैं। गाइस मैंने इस पर क्रीम लगा दी है, ठीक है, इसको पोंछते हैं। गाइस मैंने उस क्रीम को पोंछ लिया है और आप देख सकते हो कार कितनी शाइन मार रही है, ठीक है। तो हम आपको उसको कुछ सिनेमेटिक शॉट दिखाता हूँ एंड देन फिर हम वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है। गाइज तो यही थी वीडियो। आई होप को वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन नोटिफिकेशन मिल सके। गाइज मैं काफ़ी लेट हो रहा हूँ वीडियो आने में बिकॉज ऑफ शादी, घर में शादी भी थी एंड मेरे एग्जाम भी चल रहे हैं इस वजह से। तो अब तो रेगुलर आएंगी वीडियोज, ठीक है। मैं थोड़ा फ्री हो चुका हूँ तो रेगुलर आएंगी वीडियोज। तो यही थी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो अनबॉक्सिंग की आने वाली है। मैंने 3 का परचेस करी है तो उनकी अनबॉक्सिंग आएगी, ठीक है। तो ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।